एग्जिट पोल से बम बम बीजेपी को सट्टा बाजार से जोरदार झटका। एग्जिट पोल से तर क्या है सट्टा बाजार का चुनावी आंकलन। 17वें लोकसभा का चुनावी घमासान खत्म हो चुका है, अब सभी को इंतजार है 23 मई को आने वाले नतीजों का। हालांकि अब तक सामने आए एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी की तस्दीक कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजों से जहां एनडीए खेमे का उत्साह चरम पर है, तो वही विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। हालांकि चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का आंकलन बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं। दरअसल देश में ट्रेंड सेट करने वाली मुंबई के सट्टा बाजार की माने तो इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और पार्टी अपने दम पर जादुई आंकड़ा नहीं छुपाएगी। सट्टा बाजार की माने तो बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़े को पाने के लिए अपने गठबंधन के साथियों की जरूरत होगी। सट्टा बाजार का मानना है कि बीजेपी को 200 से 220 सीटों की संभावना है, वही कांग्रेस 90 से 110 सीटें जीत रही है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 280 से 300 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के खाते में 150 से अधिक सीटें जा सकती हैं। सटोरियों के लिए पीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा नरेंद्र मोदी है। सटोरियों ने नरेंद्र मोदी पर 10 पैसे का भाव खेला है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर 60 पैसे और बीएसपी प्रमुख मायावती पर 1 रुपए का भाव लगा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से चंद्रबाबू नायडू का नाम पीएम पद के लिए चर्चा में रहा, उन पर सटोरियों ने 2,10,000 का भाव दिया, जिसका मतलब है कि चंद्रबाबू भी पीएम की दौड़ में हैं। खास बात यह है कि ममता बनर्जी के नाम 150 रुपए का भाव दिया गया। इसका मतलब ये है कि सट्टा बाजार ममता बनर्जी को पीएम पद की रेस में बिल्कुल नहीं मानता है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की पटना साहिब सीट पर लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। वहीं अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कड़ी टक्कर है। हालांकि राहुल के वायनाड में आसानी से जीत मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भोपाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि सट्टा बाजार के दावों में कितना दम है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स के दावों से बम बम बीजेपी को ये आंकलन मायूस करने वाला जरूर है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।